हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का 7.2 चैप्टर बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने 7.1 चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हुआ था, और अभी मैं पॉलिनोमियल चैप्टर का ही 7.2 चैप्टर बताने वाला हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा वीडियो लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले ये बोलना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसी टाइप के एडुकेशनल वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जो कि आपके 2 या 3 मार्क्स के आ भी सकते हैं या फिर 1 मार्क्स के भी आते हैं बहुत जगह पे। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 9x - 6। यहाँ पे क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 9x + 6, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, f(0) f(1) एंड f(3)। यानी कि आप यहाँ पे पहले, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा, देखिए x के जगह पे 0 दिया है, यानी कि यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि x के जगह पे हमें 0 पुट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x को x के जगह पे 0 पुट करने के बाद जो मिलता है वही हमारा निकालना है यहाँ पे। इसी इसका मीनिंग यही है कि हमें जो भी x का वैल्यू पुट करना है तो उसके बाद जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे f(0) x के जगह पे 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x के जगह, पुट कर लेते हैं 0 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 × 0 + 6। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। f(0) इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। उसी तरह से हमें देखिए क्या है, दूसरा निकालना है f(1) निकालना है। f(1) निकालेंगे यानी कि x की जगह पे हमें 1 पुट करना है। तो हमारा क्या इक्वेशन था, इक्वेशन था हमारा x². तो यहाँ पे f(x) क्या था हमारा, x² प्लस 9x + 6 था। तो हमारा f(x) यानी कि f(1) क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1 + 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा हमारा, 9 × 1 = 9 हो जाएगा प्लस 6। तो यहाँ पे 9 + 1 = 10 + 6 यानी कि 16, ये हमारा f(1) का वैल्यू हो गया, कितना 16 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए कि हमें f(3) का भी वैल्यू निकालना है। f(3) का वैल्यू निकालेंगे चलिए। तो यहाँ पे f(x) के जगह पे हम लोग आप क्या लिख लेते हैं, f(3) लिख लेते हैं। तो x क्या करना है, हमें x के जगह पे 3 को पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 9 × 3 हो जाएगा प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाता है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 9 × 3 = 27 + 6, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 27 × 9 कितना हो जाएगा हमारा, 27 और 9 हो जाएगा हमारा 36, 36 और 6 यानी कि 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा f(3) का आंसर हो गया, क्लियर है। उसी तरह से एक नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है पॉलिनोमियल्स में फ़िलहाल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो हमने 7.1 चैप्टर में सीखा था वो एक बेसिक था, एक्चुअली एग्ज़ाम्स वगैरह में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दो नंबर क्वेश्चन का देखिए एक नंबर में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दो नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दो नंबर में दिया है, बाय कैलकुलेटिंग द पॉलिनोमियल्स f(x) लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ f(1). तो हमें क्या करना है, f(1) एंड f(-1) का वैल्यू निकालना है। तो f(1) और f(-1) का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 2x³ प्लस x² प्लस x + 4। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हमारा एक चल राशि युक्त बहुपदीय व्यंजक है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ वन भरना है, वन एक्स की जगह पे वन पुट करना है। तो एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, टू इंटू वन टू द पावर क्यूब प्लस वन टू द पावर स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि वन प्लस फोर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो वन का क्यूब कितना वन ही हो जाएगा, तो टू हो जाएगा। यहाँ पे वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन होगा, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे प्लस फोर। यहाँ पे आप देख सकते हो दो एक चार, तीन तीन एक चार, चार चार आठ, यानी कि एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना हो गया हमारा, एफ ऑफ वन का वैल्यू एट हो गया। उसी तरह से हम हमारा एफ ऑफ माइनस वन भी लिख लेते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स उतार लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमारा टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ माइनस वन भी दिया, एफ ऑफ माइनस वन भी निकालना है हमें, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस वन को पुट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस वन को पुट कर लेंगे, तो माइनस वन का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस फोर। अब आप देख सकते हैं टू इंटू माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टू इंटू वन इज इक्वल टू वन, लेकिन माइनस टू हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन वन का स्क्वायर वन होगा, तो यहाँ प्लस वन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ वन का स्क्वायर यानी कि वन ही हो जाएगा, तो यहाँ पे वन लिख लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फोर था, तो फोर को जैसे वैसे ही उतार लेंगे। फिर आप हमारे पास ये देखिए, हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस में टू है, तो सबसे पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन वन टू, और ये चार दो छः हो जाएगा, छः में से ये दो गया, कितना बचा, माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस सिक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस में फोर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो दो नंबर भी क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। चलिए अब तीन नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो भी चेक कर लेते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में दिया है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इज वन। यहाँ बोल रहा है कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इज वन। तो हमारा, हमने जो पढ़ा था पिछले वाले क्लास में, आप देखे होंगे पार्ट वन में हमने देखा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसका हमें चेक करना है स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है पी ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन है तो ये बहुपदी व्यंजक का शून्य एक है, ये बोल रहा है बहुपदी व्यंजक का शून्य क्या है, एक है, ये हमें जांच करना है। तो हम जांच कैसे करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे हमारा शून्य करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करने के लिए हमें जीरो करना होगा। तो यानी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, तो यानी कि एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट द स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे जांच कर लिया, यानी कि हमारा डायरेक्टली हमारा बस यही बताने का मतलब है कि x के किस मान के लिए जो पॉलिनोमियल ऑफ x है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से हमारा दो नंबर क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ x इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स इज थ्री। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर थ्री है तो ये जीरो होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पी ऑफ एक्स इजकल टू जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, थ्री माइनस एक्स इजकल टू जीरो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम एक्स को इधर लेके जाते हैं तो एक्स इजकल टू थ्री हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगा, यानी कि तथ्य सही है। ओके, तीन नंबर क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। ये तीन नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ फाइव इंटू एक्स प्लस वन इज वन बाई फाइव। यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वन बाई फाइव बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या देखेंगे, हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब होगा, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
देखेंगे कि वन ऑफ वन बाई फाइव आ रहा है कि नहीं। अगर वन ऑफ फाइव वन बाई फाइव नहीं आएगा तो ये हमारा तथ्य गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाँच करना है, तो यहाँ पे जाँच कर लेते हैं। तो और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फाइव एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस वन दिया है, मैंने माइनस मिस कर दिया था। यहाँ पे फाइव फाइव एक्स, यहाँ पे प्लस में वन है तो ये माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू देखिए माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा, माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा, यानी कि ये भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आप लोग लिख लीजिएगा ये भी तथ्य सही है, ठीक है। चार नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, चार नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन आर थ्री एंड माइनस थ्री, ठीक है। तो ये अभी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जीरो यानी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या लिख लेंगे एक्स टू द पावर टू यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे हम ये क्या देख लिख सकते हैं, इसको मिड टर्म फैक्टर आपने किया है, यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको पता होगा क्योंकि आप लोग नाइन्थ क्लास में हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री और एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इधर आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक और स्टेप एक्स्ट्रा लिख लूँ, नहीं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसलिए एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा द स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे उसी तरह से पांच नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन में दिया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स आर जीरो एंड फाइव, यही हमें साबित करना है स्टेटमेंट को ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग का ये देख सकते हैं आप पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये होना चाहिए जीरो। तो यहाँ पे आप देखिए अब हमारा ये और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसको, एक्स इधर लिख लेते हैं तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, एक्स इजल टू जीरो, यहाँ पे एक्स माइनस फाइव यानी कि एक्स इजल टू फाइव। तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। चार नंबर भी आप लोग का क्लियर हो गया, पांच नंबर भी आप लोग को क्लियर हो गया। हिंदी के लिए इसमें कुछ बोलने को नहीं है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में जो है वही तथ्य को हमें साबित करना है, वही हम लोग तथ्य को साबित कर रहे हैं। तो तीन का छः नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छः नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तो छः नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट आर फोर एंड माइनस टू, ठीक है। अब हमें इसको भी साबित करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा जीरो मेथड में आ गया। तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर कर लेते हैं इसको, आप लोग सेवन्थ क्लास में पढ़े हैं बहुत अच्छे से, एट्थ में भी इसके ये था। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालना है देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का आगे में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ वन है तो वन को एट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वन इंटू एट इज इक्वल टू एट हो जाएगा। अब एट को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है, जिसको जोड़ने या घटाने से हमें टू आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर टू जाए एट कर लेते हैं, तो फोर माइनस टू इजकल टू टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये एक्स को आगे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर माइनस टू इजकल टू टू हो जाएगा, माइनस एट इजकल टू जीरो, यानी कि ये वाला जो लाइन है इस लाइन के बराबर हो गया और उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स को इधर और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस टू एक्स हो जाएगा, माइनस एट इजकल टू जीरो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन है, तो हमारा एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस फोर प्लस यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा हमारा टू कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस फोर इजकल टू जीरो। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया देखिए, इसलिए एक्स माइनस फोर इजकल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स इजकल टू फोर और एक्स इजकल टू माइनस टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर और माइनस टू दिया है तो हमारा भी वही है, तो ये भी स्टेटमेंट एक ट्रू है। इसको भी हमने चेक किया तो ये भी स्टेटमेंट सही था, ये भी एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। ओके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स ये होगा। ठीक है, तो चार नंबर क्वेश्चन भी मैं देख लेते हैं, चार नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो भी करीब करीब सेम ही दिया है। द लेटेस्ट डिटरमाइन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिया है, इसमें सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेम टू सेम वही काम हमें यहाँ भी करना है। तो चार नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। लेटेस्ट डिटरमाइन द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही काम करना है हमें फिर से। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक नंबर क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स दिया है, टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालना है हमें, पहले वाले में दे दिया था, हमें सिर्फ साबित करना था, इसमें हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, किसी एक को जीरो करना ही, मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स को जीरो करना होगा और एक्स का वैल्यू निकालना है हमें, तो इसको हम जीरो मान लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टू माइनस एक्स इजक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स को इधर लेके जाते हैं तो ये हमारा टू हो जाएगा, एक्स इजक्वल टू टू हो गया। तो यहाँ हमारा टू क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा वैल्यू निकालना है। जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन देखा था, द टू यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इसका निकालना था, इसका पहले से दिया हुआ था, हमें साबित करना था। अब इस बार क्या करना है, हमें साबित नहीं करना है, हमें ऑल्सो इसका एक्स का वैल्यू निकालना है। अब दो नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, दो नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस टू। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। आपका जो भी जिस पोर्शन में भी डाउट होगा उस पोर्शन को के डाउट को हम लोग क्लियर कर देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करना होगा तो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपको जो भी पोर्शन में जहाँ भी डाउट है उस पोर्शन के डाउट को क्लियर करने के लिए एक स्पेशल आपके लिए वीडियो भी बना देंगे, अगर आपको डाउट क्लियर नहीं होता है तो। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें जीरो करना, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेवन एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आप देखिए और यहाँ पे हो जाएगा सेवन एक्स इजकल टू माइनस टू, यहाँ पे एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई सेवन। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से तीन नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तीन नंबर क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस नाइन। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू जीरो ले लेंगे, जीरो लेंगे तो यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस नाइन इजक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू जीरो है तो। तो यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो और एक्स इजक्वल टू माइनस नाइन आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अब चार नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, अगर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें ज़ीरो देखना है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम सबसे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स करना है, तो ये डिटरमाइन द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का जो भी वैल्यू होगा वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मनी ये एक्स को ऐसा वैल्यू हमें पुट करना है जिससे ये पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाएगा, इसीलिए जो वैल्यू अगर हमारा एक्स का होगा उसी को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जो कि हमने पहले पार्ट में बताया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, डायरेक्टली आप इस वीडियो में आ गए हैं, तो आप लोग हमारा पहला वाले पार्ट को देख सकते हैं, उसमें आपको वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स सब कुछ उसमें बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपको आगे में कोई भी डाउट ना आए पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। तो इसलिए हम लोग चलिए इसको कर लेते हैं, जीरो हो गया, तो इसलिए हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा।
अब क्या करते हैं और ये माइनस टू एक्स को इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स, ये एक्स इधर ही रह जाएगा, टू जो इसके डिवाइड हो जाएगा, तो टू सिक्स बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक्स इजकल टू थ्री, यही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इजकल टू टू एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इजकल टू हम लोग जीरो ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग टू एक्स इजकल टू भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बाई डिवाइडेड बाई जीरो इजकल टू, यहाँ भी जीरो ही हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, पाँच नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम छः नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सिक्स नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है एफ ऑफ एक्स इजकल टू ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या दिया है, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए जो है हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, जैसे हम लोग वन टू थ्री फोर लिखते थे उसी तरह से ए और बी जो है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है, ये इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है ये हमारा जीरो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स सेम टू सेम क्वेश्चन वही हमें करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, तो हमारा एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो और ए एक्स को इधर ही छोड़ देते हैं, बी को इधर लेके जाते हैं, तो प्लस में, तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि हमारा क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इतना का क्या हो गया, ये माइनस बी बाई ए, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा 7.2 चैप्टर जो है वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिनसे उनको भी कुछ फ़ायदा हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7.3 चैप्टर में के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।